जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि मैच के बाद कृणाल पंड्या ने कहा, क्विंटन डिकॉक इज अ क्वालिटी बैटर बट मायर्स हैज अ बेटर रिकॉर्ड हियर सो वी वेंट अहेड विथ हिम। तो इंजर्ड नहीं थे, ये क्या हुआ सर? मैं एक बात बोलूं, वो जो कुल्हाड़ी पंजाब ने दिल्ली को दी थी ना, दिल्ली ने इनको दे दी और इन्होंने भी ना बगैर कुछ सोचे समझे पैर पे मार ली, खटक काट लिया अपना पैर। क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर दिया, टैक्टिकल मतलब पता नहीं क्या, मतलब मैं मुंबई करूं फिर भी मैं खुद शॉक्ड हूं सर। नहीं उनको क्या लगा कि मुंबई के खिलाफ उनका ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है मायर्स का कि उनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे ज्यादा बेहतर है? ये उनको कोट किया गया क्रिकबस के ऐप पे, बेटर रिकॉर्ड हियर। अब हियर मतलब वेयर? हियर मतलब चेन्नई में, दैट्स व्हाट इट्स। चेन्नई में टर्निंग ट्रैक पे कायल मेयर्स का बेटर रिकॉर्ड है। शायद उन्होंने एक मैच खेला होगा उसमें वो 40-50 रन बनाए होंगे, हो सकता है। रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, राजू भैया से पूछते हैं। नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड मेरा भी रिकॉर्ड है चेन्नई में 319 रन का बनाया, लेकिन ये नहीं है कि मैं आज भी जाकर वहां खेलूंगा तो 319 बना दूंगा, या मेरा रिकॉर्ड अच्छा है तो मैं वहां रन बना दूंगा। शायद 219 बना ले आप। करंट फॉर्म का भी तो होता है ना, अगर करंट फॉर्म में क्विंटन डिकॉक हैं तो शायद उनका खेलना बेहतर बनता था। बट मतलब मैंने क्या, अब मैं इससे आगे और क्या कहूँ कि वो कुल्हाड़ी की विनाश काले विपरीत बुद्धि। एग्जैक्टली, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। दूसरा एक और बात उन्होंने बिल्कुल निखालसता से कही, बिल्कुल कैंडिडली ये कही है कि दैट शॉट जो उनके खुद का विकेट था वॉज नॉट ऑन, आई कंप्लीटली टेक द ब्लेम फॉर दैट, साइन ऑफ अ गुड कैप्टन, क्रेडिट। वो तो इम्पोर्टेंट है, आप आंख नहीं मोड़ सकते, गलती की है किसी ने भी की है, सबसे बड़ा कप्तान वही होता है जो अपने आप को देखे और अपने आप पे उंगली उठाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है और सही है, अच्छी चीजें हैं। और ये भी कहा कि वी डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक ब्रेक। तो ये 20 ओवर है, लेकिन इस 20 ओवर में कितने न जाने कितने अलग 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 इवेंट्स होते हैं और उसको एक धागे में पिरोना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रेक के बाद उन्होंने खुद ने कहा कि भाई हम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं, तो कंसिस्टेंसी ना सिर्फ सीरीज में बल्कि एक मैच के 20 ओवरों में लगातार वही धारा प्रवाह बहता रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से। बहरहाल लखनऊ के जवाब तो ले ले सर, मतलब आपने लंबा पॉज लिया, मुझे लगा कि मैं पर अच्छा है, देखो दो साल दोनों टीमें, दो न्यूबी टीम्स। लंबा पॉज तो मैंने इसलिए दिया कि तेरा सवाल इतना लंबा था मुझे लगा सवाल ही नहीं खत्म हो रहा है। आज मैं इस शो का ऑफ स्पिनर हूं, इसलिए मुझे इतनी पड़ रही है। शॉकिंग हूं। हां एग्जैक्टली, बिल्कुल शॉकिंग। ये तो कहने की जरूरत नहीं थी, अगर वो अच्छा खेले होते तो फिर वो क्वालिफाई करके होते अगले मैच के लिए, तो इसलिए मेरा जवाब मैंने वो थोड़ी खामोशी रखी, क्योंकि अगर वो अच्छा खेले होते तो ये बात कहते ही नहीं ना। हम भी उनकी बुराइयां क्यों कर रहे हैं या क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो क्रिकेट खेली, जो गेम खेला, वो आज खेला ही नहीं, किसी भी प्लेयर ने कुछ किया ही नहीं। मैं कहूँगा अनलक्की रहे पूरन, जो पहली बॉल पे ही वो मधवाल की बॉल पे ही आउट हुए, अगर वो आउट नहीं होते तो शायद थोड़ा और मैच मजा आता, आखिर तक जाता और अभी तो शायद हमारा शो शुरू हो रहा होता। ओह वेल डन। चलिए सर एलएसजी, मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कि जीटी और एलएसजी दोनों ने दोनों साल अभी अभी आए हैं, दो साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया। जीटी तो खैर अभी एक और चांस है और बेस्ट टीम रही है, बाय फार द बेस्ट टीम रही है पिछला मैच अगर आप छोड़ दें। एलएसजी ने भी कंसिस्टेंटली किया है, वो अलग बात है कि दोनों बार एलिमिनेटर में आउट हो गए, उनकी किस्मत खराब, पर कंसिस्टेंसी है एटलीस्ट इतनी तारीफ। हम जैसे सीएसके की बात करते हैं, प्लेऑफ्स में पहुंचे, 2-2 फॉर बोथ टीम्स, तारीफ करनी होगी। पर हाँ, आज मेरा मानना है, मैं मुझे नहीं पता वीरू की क्या सोच है, जो इन्होंने इस साल गलती की है, उनके जो प्लेयर्स जिनसे आप उम्मीद करते हैं, जैसे आप एसआरएच की बात करें, कुछ प्लेयर्स थे कलेक्टिवली आउट ऑफ फॉर्म क्लासन को छोड़ के, वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स को छोड़ के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, बदोनी को छोड़ के, कृणाल पांड्या खराब प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, गेंदबाजी में की बल्लेबाजी में नहीं की, दीपक हुडा इंडिया के लिए खेल रहे हैं बल्लेबाजी से नहीं हुई। आप मेरे हिसाब से अगर आपने निवेश किया है तो आप बाहर नहीं फेंकेंगे, आप उसके बावजूद आप पहुंच गए, अगले साल केएल राहुल आएंगे आपके, तो टीम ठीक है, कुछ गलतियां की हैं और जैसे आज अभी जैसे ये अभी ऐसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स करेंगे तो फिर कोई कर मदद नहीं कर सकता। और बडोनी क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर को अगर आप बाहर छोड़ के किसी को भी ले आएंगे तो फिर आप सर ये क्या बोलें? हम लोगों ने पहले शुरुआत में कहा था कि मायर्स बहुत बढ़िया फॉर्म में, क्विंटन डिकॉक को नहीं खिलाना चाहिए और वैसा ही हुआ। जब उनका फॉर्म गिरा तब क्विंटन डिकॉक आया और क्विंटन डिकॉक ने रन बनाने शुरू किए, तब हमने कहा कि अब मायर्स को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि अब क्विंटन डिकॉक फॉर्म में, या उनको खिलाना चाहिए क्विंटन डिकॉक को, मायर्स दोनों ओपनिंग करें
और आप तेज गेंदबाज जो है नवीन उलक नवीन उलक को बिठा के इंडियन कोई गेंदबाज खिलाएं ताकि आपकी बैटिंग चारों फॉरनर फॉर्म में है और वो चारों रन बनाए और फिर आपके तीन इंडियन उसमें से कोई एक या दो रन चिप इन कर जाएं तो शायद आपकी नैया पार लग जाए, बट वो शायद गलती हो गई। सर ये जो क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करने का निर्णय है ये लैपटॉप के नाम होना चाहिए शायद, क्योंकि उनके कानों में किसी ने बोला कि एक मैच कायल मायर्स खेले 54 रन क्यूडी के एवरेज चेन्नई में 10। नहीं मैं वो उसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हैं ना उनके स्टाफ में वो इनफ क्रिकेट खेले हैं, 100-100 टेस्ट मैच वाले या वनडे 100 वनडे से ज़्यादा खेले हुए बंदे उनके डगआउट में हैं जिनको मालूम है कि कंप्यूटर से क्रिकेट नहीं खेली जाती, तो वो बात मैं नहीं सहमत कर सकता कि कंप्यूटर वाले ने बोला होगा तो शायद क्विंटन डिकॉक शायद इसलिए भी वो नाराज़ होंगे, क्विंटन डिकॉक बाहर ही नहीं आए एक पसीने की बूंद तक नहीं ली उन्होंने बाहर आ गए, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि मैं इतने फॉर्म में था मुझे बाहर बिठा दे तो मैं पसीना लेके क्या करूं, मैं एसी रूम में आराम से बैठा रहूं, तो पूरे टाइम वो अपने एसी रूम में बैठे रहे तो ज़रूरत ही नहीं थी।